डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन है। यह रिंग टेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिंग टेस्ट से कम 10 फैक्ट्स 10 पॉइंट्स क्वेश्चन के रूप में निकल कर आते हैं। यह टेस्ट क्लास 11th 12th और BSc के स्टूडेंट्स प्रयोगशाला में करते हैं, और यह टेस्ट जो है प्रयोगशाला में करने पर बहुत ही मज़ा आता है और बड़े ध्यान से इसे स्टूडेंट्स करते हैं। आइए यह टेस्ट हम लोग देख लेते हैं। टेस्ट का नाम है रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन का फार्मूला होता है NO3-, जिसे एसिडिक रेडिकल कहते हैं। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज्ड आयन हैं वे सभी एसिडिक रेडिकल कहलाते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज्ड आयन एसिड से निकले हुए हैं। एसिड का एक भाग है, नेगेटिव आयन्स के रूप में मेन भाग है, इसलिए इस आयन को एसिडिक रेडिकल कहते हैं। हम लोगों को ये भी पता है जितने भी नाइट्रेट कंपाउंड्स हैं वो लगभग सॉल्युबल हैं वाटर में। तो यह पॉइंट जो है हम लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए, नियरली ऑल नाइट्रेट कंपाउंड्स सॉल्युबल इन वाटर। सबसे पहले टेस्ट के लिए 10 ml का टेस्ट ट्यूब लेते हैं, जिसमें नाइट्रेट सॉल्ट थोड़ा सा लेते हैं और 2 से 3 ml डिस्टिल वाटर मिलाकर टेस्ट ट्यूब को सेक करते हैं, और सेक करने के बाद 2 से 3 ml नाइट्रेट साल्ट सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। फिर से बता दे रहे हैं, टेस्ट ट्यूब 10 ml के टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा नाइट्रेट साल्ट अमाउंट लेते हैं, फिर उसमें 2 से 3 ml डिस्टिल वाटर मिलाकर सेकिंग करते हैं। सेकिंग करने के बाद हमारा नाइट्रेट साल्ट सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में थोड़े से अमाउंट में फेरस सल्फेट लेते हैं, फिर उसमें 2 से 3 ml डिस्टिल्ड वाटर मिलाते हैं और सेकिंग करके 2 से 3 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन तैयार करते हैं। फिर दोनों इक्विमोलर सॉल्यूशन को तीसरे टेस्ट ट्यूब में मिक्स्ड करते हैं, और मिक्स्ड करने के बाद टेस्ट ट्यूब के साइड से धीरे धीरे सांद्र FeSO4 एसिड मिलाते हैं मिक्सिंग सॉल्यूशन में। कंसंट्रेटेड FeSO4 एसिड केयरफुली बाय साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब मिलाते हैं। तो दोनों विलयनों के मध्य FeSO4 और नाइट्रेट साल्ट सॉल्यूशन के मध्य डार्क ब्राउन रिंग बन जाता है, बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है और बहुत ही पतले रंग से दिखाई देता है ऐसे देखने पर, टेस्ट ट्यूब को ऐसे देखने पर। तो दोनों विलयनों के मध्य डार्क ब्राउन रिंग एट दी इंटरफेस बिटवीन टू लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म, तो डार्क ब्राउन रिंग बनता है। और इस डार्क ब्राउन रिंग का फार्मूला Fe H2O का होल 5 NO SO4 ये फार्मूला प्राप्त होता है, या आयंस के रूप में Fe H2O का होल 5 NO2+ कम्प्लेक्स आयन इस रूप में प्राप्त होता है, या बहुत सी बुक में ये भी फार्मूला लिखा हुआ है FeSO4 × NO, जिसे नाइट्रोसो फेरस सल्फेट भी कहते हैं। तो ये तीन प्रकार का डार्क ब्राउन रिंग फार्मूला जो बनता है। फर्स्ट और सेकेंड फार्मूला जो है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो हम फर्स्ट और सेकेंड फार्मूले को देखेंगे। आइए नाइट्रेट जो रिंग टेस्ट होता है नाइट्रेट आयन का, उसका रिएक्शन क्या है। सोडियम नाइट्रेट एक साल्ट है नाइट्रेट का, इस सॉल्यूशन में सबसे पहले सान H2SO4 रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक एसिड बनाता है, और यह नाइट्रिक एसिड डीकम्पोज्ड हो जाता है वाटर, नाइट्रिक ऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन में, मतलब ये डीकम्पोजमेंट टूट जाता है वाटर में, नाइट्रिक ऑक्साइड में,
और नेसेंट ऑक्सीजन में। और यह नेसेंट ऑक्सीजन जो है, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट है, उसको ऑक्सीडाइज करके फेरिक सल्फेट बनाता है। तो 6FeSO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन रेज टू Fe2SO4 का होल थ्राइज प्लस 3H2O। और नेसेंट ऑक्सीजन जो है यहाँ से और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद मेनली वाटर और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बचेगा। और यही नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोलूशन से रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद ब्राउन रिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर बनता है। तो यह अभिक्रिया है। इस प्रकार जो है नाइट्रेट आयन का टेस्ट जो है किया जाता है। इसको देख लीजिए। रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन में जो तीन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट्स हैं, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट्स है फार्मूला, जो हम लोगों ने अभी देखा, उसको तीन टाइप के फार्मूले प्राप्त होते हैं, जिसमें हम लोगों को फर्स्ट और सेकंड फार्मूले को देखना है। सेकंड नंबर पे यह जो फार्मूला है, जिस कंपाउंड का आता है, वह कोऑर्डिनेट या कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। एक उप सहसंयोजक यौगिक के रूप में यह डार्क ब्राउन फार्मूला जो है प्राप्त होता है, जिसमें Fe जो है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। उससे जुड़े हुए 5H2O और NO जो है लिगेंड्स कहलाते हैं जो ब्रैकेट के अंदर हैं। ये दोनों टाइप के जो हैं लिगेंड्स कहलाते हैं, जो Fe धातु से जुड़ते हैं। और यह लिगेंड्स इसमें टू टाइप्स के होते हैं, एक वाटर जिसे न्यूट्रल लिगेंड्स जिसका नाम है एक्वा। दूसरा टाइप का जो है NO+ के रूप में यहाँ पे रहता है, NO+ के रूप में, जिसे नाइट्रोसीलियम आयन कहते हैं। यानी सेकेंड पॉइंट है एक कोऑर्डिनेट या कम्प्लेक्स कंपाउंड डार्क ब्राउन जो रिंग बनता है, वो जो कंपाउंड है डार्क ब्राउन का, वो कोऑर्डिनेट या कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जिसमें Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। और बड़े कोष्टक के अंदर जो मालिक्यूल्स या आयन्स हैं जो Fe से जुड़े होते हैं, उन्हें लिगेंड्स कहते हैं, जिसमें एक वाटर लिगेंड, टू टाइप के लिगेंड्स इसमें हैं, वाटर जो एक्वा के नाम से जाना जाता है, NO+ नाइट्रोसीलियम आयन के रूप में जाना जाता है। ऑल लिगेंड्स आर कॉल्ड, जितने भी लिगेंड्स हैं उन्हें लुईस बेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि बिकॉज इट्स डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ए लिगेंड्स जो हैं डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और डोनेट करते हैं यानी लुईस बेस जो होते हैं वे मॉलिक्यूल्स या आयंस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उन्हें हम लुईस बेस कहते हैं। और डोनेट करने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, यानी जो 6 लिगेंड है, 5 वाटर मॉलिक्यूल और NO+ आयन जो है Fe सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में जुड़ते हैं, इसलिए इस कंपाउंड को कोऑर्डिनेट या कम्प्लेक्स कंपाउंड कहा गया है। इस प्रकार लिगेंड्स जो है, सभी लिगेंड्स जितने भी होते हैं बड़े कोष्टक के अंदर धातु एटम या आयन को छोड़कर वो सारे लिगेंड्स होते हैं और लुईस बेस कहलाते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की, और देने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो सेकेंड पॉइंट कोऑर्डिनेट या कंप्रेस कंपाउंड। थर्ड पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसमें 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि जो बड़े कोष्टक के अंदर जो Fe धातु है
इससे जुड़े जितने भी लिगेंड्स होते हैं उनकी संख्या को, जितने भी लिगेंड्स होते हैं उनकी संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। तो इनकी संख्या जो है 5 वाटर मॉलिक्यूल है और एक NO प्लस आयन है, यानी कुल संख्या 6 हो गई। इस प्रकार कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 होगी। थर्ड पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, चार्ज है, वो कितना आएगा तो देख लेते हैं। तो ये डार्क ब्राउन रिंग का फार्मूला है, यानी जो कंपाउंड है वह न्यूट्रल होता है, तो इसकी पूरी वैल्यू जो होगी 0 होगी। यह कंपाउंड एक Fe से बना हुआ है, 5H2O से बना हुआ है, एक NO से बना हुआ है, प्लस SO4 से बना हुआ है, इक्वल टू 0। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर निकालना है, और H2O चूँकि न्यूट्रल होता है तो इसकी वैल्यू हो गई 0। NO जो है प्लस के रूप में है, प्लस 1 के रूप में है, तो प्लस 1 इसकी वैल्यू हो गई। और सल्फेट आयन हम लोगों को पता है SO4 2 माइनस होता है, तो इसकी वैल्यू -2 हो गई, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से Fe+1 ये वाली वैल्यू गायब कर देंगे, 0 वाली, +1 -2 इक्वल टू 0। Fe=+1 यानी Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज या नंबर आएगा वो +1 आएगा। यह मात्र आयरन का, Fe का मात्र एक कंपाउंड है जिसमें Fe जो है +1 में पाई जाती है। बाकी कंपाउंड्स में Fe +2 या +3 के रूप में उपस्थित होती है। याद रखिएगा कि Fe का एक मात्र कंपाउंड है जिसमें Fe जो है +1 होता है। अन्य Fe के कंपाउंड्स में Fe +2 या +3 के रूप में होती है। तो अब फोर्थ नंबर पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ या स्टेट ऑफ Fe तो कितना आया, Fe+1। फिफ्थ पॉइंट, IUPAC नामकरण, पेंटाएक्वा 5 है H2O, तो पेंटाएक्वा NO प्लस आयन में है, नाइट्रोसीलियम आयरन फर्स्ट रोमन में लिखते हैं क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 आई है, और सल्फेट पेंटा एक्वा नाइट्रोसीलियम आयरन फर्स्ट सल्फेट, पेंटा एक्वा नाइट्रोसीलियम आयरन फर्स्ट सल्फेट, इसका IUPAC नामकरण है। फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर लेटर्स इस कंपाउंड में या कम्प्लेक्स आयन में कुल नंबर ऑफ अनपेयर लेटर्स कुल कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। अनपेयर लेटर्स जो है 3 हैं। सेवंथ पॉइंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो निकाला जाता है इसका, चुंबकीय आघूर्ण 3.87 बोर मैग्नेटॉन आता है, 3.87 बोर मैग्नेटॉन आता है। एट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन जिसे संकरण कहते हैं, ये होता है sp3d2 होता है। नाइन पॉइंट, इसकी जो संरचना होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, अष्टफलकी होती है। मेन पॉइंट जो 10 पॉइंट है, मेन डार्क ब्राउन कलर जो आता है वो किसके कारण आता है, तो चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के थ्रू आता है, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के थ्रू जो है डार्क ब्राउन कलर आता है। तो रिंग टेस्ट का ये 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन पॉइंट्स को देख लीजिए। Fe H2O का होल 5 NO SO4 एक डार्क ब्राउन रिंग का फार्मूला है। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन बनाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर जो है 26 होता है, 1H2 2H2 2P6 3H2 3P6 4H2 3D6 26 हो गया। Fe+1 आया है +1, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4S है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s1। साथ ही साथ 4p खाली रहेगा, फोर्थ ऑर्बिटल में पहुंच ऑर्बिट में पहुंच गया है, 4d ये भी खाली रहेगा। पांच बॉक्स हो गए, 1 1 1 1 1, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3d6, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। सिंस एनो प्लस लिगेंड इज स्ट्रांग लिगेंड, सो इलेक्ट्रॉन ऑफ s4s ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s ऑर्बिटल विल बी पेयर्ड इन 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल में जो है स्ट्रांग होने के कारण 3d ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। थ्री डी सेवन हो गया, 1 1 1, और 4s जो है खाली हो गया, और यहाँ 4p और यहाँ 4d, ये सब खाली है। 4d कैसे हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त होता है, तो 5s2 है तो लोन पेयर जो है 3d7, 4s, 4p, 4d, तो h2o का लोन पेयर जो है 4s में जाएगा, सेकेंड h2o, थर्ड h2o, फोर्थ h2o, फिफ्थ h2o, और एक है एनो प्लस, ये लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो जो मिक्सिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, 4s ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल जो है मिक्स हो रहे हैं आपस में। तो मिक्स होने के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, 1s, 3p और 2d, sp3d2, ये संकरण हुआ। और जिसकी संकरण आती है उसका जो संरचना हुई वो है ऑक्टाहेड्रल, Fe+1, OH2, H2O, H2O, NO plus, H2O। इस प्रकार की जो है ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की संरचना प्राप्त होती है। यदि इस हाइब्रिडाइजेशन को, इस जो कम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त होता है, उस कम्प्लेक्स कंपाउंड को जो है, ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है Fe, H2O,
होल फाइव एन ओ और ब्रैकेट वन एस ओ फोर जो कंपाउंड है इसे हाई स्पिन कम्प्लेक्स भी कहते हैं या आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, यदि D2sp3 संकरण बनता तो 3D वाला इन्वॉल्व रहता, 2 ऑर्बिटल 2D ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व होता तो D2sp3 होता, लेकिन ये आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है तो इसलिए कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कहलाएगा। हाई स्पिन इसलिए कहलाएगा कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 3 हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 हैं इसलिए हाई स्पिन कम्प्लेक्स कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा sp3d2 जो है अलग टाइप का संकरण है और d2sp3 अलग टाइप का संकरण है। ये sp3d2 में 4d इन्वॉल्व है, d2sp3 में 3d इन्वॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस कम्प्लेक्स में डार्क ब्राउन कम्प्लेक्स कंपाउंड में जो है आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं इसलिए आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कंपाउंड एक कहलाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 3rd हैं, 3 हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला है n n+2 bm, bm जो है बोर मैग्नेटॉन है, b फॉर बोर एक यूनिट है बोर, m फॉर मैग्नेटॉन, तो मैग्नेटिक मोमेंट का ये यूनिट है। n की संख्या यहाँ 3 है तो मी इक्वल टू 3 3+2 बी एम, मी इक्वल टू 3 5 बी एम, मी इक्वल टू स्क्वायर रूट 15 बी एम, और स्क्वायर रूट 15 की जो वैल्यू आती है 3.87 बी एम। ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आई, तो देख लीजिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये वैल्यू आई, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में एन फॉर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स रखने पर 3.87 बी एम जो है बोर मैग्नेट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आई। ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ और मैग्नेटिक मोमेंट का जो है वैल्यू हुई और जो संरचना हुई वो अष्टफलकी संरचना प्राप्त होती है। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं कि जो डार्क ब्राउन कलर जो आता है तो हम लोगों ने रिएक्शन में देखा है Fe(SO4) और NO+5H2O मिलकर H2O5NO और SO4 कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो NO जो है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा NO+, क्योंकि यहाँ NO जो है NO+ के रूप में है और यहाँ जो है नाइट्रिक ऑक्साइड है, यहाँ पे NO जो है एक न्यूट्रल है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है, तो यहाँ से NO+ के रूप में हुआ। और जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट में जो Fe पे चार्ज आएगा 2+ आएगा और यह इलेक्ट्रॉन जो है निकला, ये इलेक्ट्रॉन जो निकला कौन ग्रहण करेगा, ए ग्रहण करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ए ग्रहण किया तो यहाँ से Fe+1 प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ए प्राप्त हुआ यानी जो लिगेंड है, लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए जो कलर है वो किसके कारण है, चार्ज ट्रांसफर के कारण है, चार्ज ट्रांसफर के कारण। ध्यान रखिएगा लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर देख लेते हैं, चार्ज ट्रांसफर जो है 2 टाइप्स का होता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, CT चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो जो डार्क जो ब्राउन कलर आता है वो चार्ज ट्रांसफर के कारण आता है, क्यों, NO जो है 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रिक ऑक्साइड जो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है और
नाइट्रोसिलियम आयन बनता है, और वही इलेक्ट्रॉन जो है फेरस सल्फेट मिलाते हैं तो फेरस आयन ग्रहण करता है, और Fe प्लस, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो Fe होती है यहाँ पे प्लस वन आती है, प्लस वन आ गया, यानी लिगेंड टू मेटल ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जो ट्रांसफॉर्मर का केस है, टू टाइप केस हैं, मेटल टू लिगेंड, लिगेंड टू मेटल, तो यहाँ पे जो डार्क ब्राउन कलर आता है वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र के कारण आता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो चार्ज ट्रांसफ़र जो है डार्क ब्राउन कलर के लिए जो है उसका कारण है।